नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। भागलपुर के संयुक्त भवन परिसर में समारोह आयोजित कर मनाई गई भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की 158वीं जयंती। बांका में वज्रपात से दो महिला समेत तीन की हुई मौत, गांव में मचा कोहराम। वंचित समाज पार्टी की ओर से कार्यकर्ता मिलन समारोह का हुआ आयोजन। नाथनगर उपचुनाव में डॉली मंडल होगी प्रत्याशी। प्रसिद्ध समाजसेवी मुकुटधारी अग्रवाल की स्मृति में रक्तदान उत्सव का हुआ आयोजन। रक्तदान को लेकर युवाओं में दिखा उत्साह। और प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर नगछिया में आरटीपीएस कर्मी का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। और अब खबर विस्तार से। अभियंत्रण सेवा समन्वय समिति के द्वारा अभियंता शिरोमणि भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की 158वीं जयंती भागलपुर के संयुक्त भवन परिसर में समारोह पूर्वक मनाई गई। समारोह का उद्घाटन रेंज डीआईजी विकास वैभव और इंजीनियर शैलेंद्र ने संयुक्त रूप से किया। इसके बाद डीआईजी विकास वैभव एवं वरिष्ठ अभियंताओं के द्वारा डॉक्टर विश्वेश्वरैया के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कलाकारों के द्वारा गणेश वंदना एवं सरस्वती वंदना की प्रस्तुति से की गई। समिति के पदाधिकारियों ने सभी अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया और सभी अभियंताओं को अभियंता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान रेंज डीआईजी विकास वैभव ने अभियंता शिरोमणि भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा की। और भारत के विकास में अहम योगदान देने की बात कही। साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर अभियंताओं को उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। भारत वर्ष के ही नहीं विश्व के अभियंताओं में से प्रमुख डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की 158वीं जयंती को हम 52वें अभियंता दिवस के रूप में भागलपुर की इस धरती पर मनाने जा रहे हैं और ऐसा ही समारोह पूरे भारत में आज के दिन मनाया जा रहा होगा। बांका में वज्रपात की चपेट में आने से दो महिला समेत तीन की मौत हो गई। घटना धोरैया थाना क्षेत्र के वलमचक और कस्टिकरी गांव की है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि वलमचक गांव में बारिश के दौरान 40 वर्षीय जुबैदा खातून और मोहम्मद असफाक दोनों धान का खेत देखने गए थे, जहां तेज बारिश के दौरान दोनों एक पेड़ के नीचे छिप गए। तभी अचानक ठनका गिरने से दोनों बुरी तरह झुलस गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा दोनों को धोरैया स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना कस्टिकरी गांव की है, जहां बकरी चराने बहियार गई महिला कोशिया देवी ठनका की चपेट में आ गई। घटना में मौके पर ही कोशिया देवी की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सीओ ने सरकारी सहायता मृत परिजनों को देने की बात कही। भागलपुर के बुढ़ानाथ स्थित विवाह भवन में वंचित समाज पार्टी का कार्यकर्ता मिलन समारोह आयोजित किया गया। समारोह के दौरान सदस्यता अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रतन मंडल ने की। कार्यकर्ता मिलन समारोह में वंचित समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने आगामी चुनाव पर विचार विमर्श किया और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में जुट जाने की बात कही। वहीं समारोह में महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका डॉली मंडल ने स्पष्ट कर दिया कि नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से वे उपचुनाव लड़ेगी और इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम के दौरान वंचित समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मणिकांत आजाद, उपाध्यक्ष सुबोध मंडल, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर परवेज अख्तर और जिला अध्यक्ष मुकेश सिंह समेत कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी की विचारधारा पर प्रकाश डाला और कहा कि यह समारोह किसी विशेष विचारधारा के लोगों का नहीं है, बल्कि समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बुलंद करने का है। मौके पर महानगर अध्यक्ष चंदन सहाय, वंचित छात्र परिषद के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकुर लाल ने कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान को लेकर सक्रिय होने की अपील की। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रतन मंडल ने कहा कि वंचितों के अधिकार के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा, जबकि डॉली मंडल ने नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात कही। इस अवसर पर रितेश मोहम्मद नौशाद समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो मेरा भागलपुर चूंकि मेरा जन्मभूमि है, मेरा कर्मभूमि है और भागलपुर का जो मूल समस्या है, मैं बिहार की राजनीति करता हूँ, बिहार के राजनीति में हूँ, लेकिन भागलपुर का जो मूलभूत समस्या है, मैं उस मूलभूत समस्या को छानिया गाड़ कर लड़ाई लड़ूंगा और वंचितों का अधिकार दे के ही दम दूंगा। और ये तो अभी अंग्राज बिहार तो अंग्राज है, देश बाकी अभी बाकी है। मैं
भागलपुर से ही संघर्ष, यहाँ के जो बुनियादी सुविधा है, बुनियादी समस्या है, जैसे एयर पॉइंट की बात है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात है, सिल्क इंस्टीट्यूट की बात है, मंडल डिवीजन की बात है, आपका जो सिल्क इंस्टीट्यूट की बात है, ओवर ब्रिज की बात है, वो ओवर ब्रिज की बात है, ये सब जो मूलभूत समस्या है, मैं इसके लिए यहाँ से आंदोलन शुरू करूँगा। ये 2020 का हुंकार है, 2020 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, ये उसके लिए तैयारी है। सामाजिक संस्था आशास की ओर से रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन सभी धर्मों के लोगों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। रक्तदान उत्सव शहर के प्रसिद्ध समाज से भी मुकुटधारी अग्रवाल की स्मृति में समर्पित किया गया। शिविर में रक्तदान को लेकर सभी वर्गों के लोगों में खासा उत्साह देखा और लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। संस्था की अध्यक्षा नसीमा दिलकश ने कहा कि शिविर में 100 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया है, जिसे भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में जमा कराया गया, जिससे जरूरतमंद लोगों की जान को समय पर बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि संस्था की ओर से आगे भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर अंशुमन भारद्वाज, विनीत बुधिया, अनुकृति कुमारी, निमित गोयनका, गौरव जैन सहित रक्तदाता और संस्था के सदस्य मौजूद थे। आज 9गछिया में जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आरटीपीएस काउंटर पर तैनात कर्मियों द्वारा अवैध वसूली का खेल धड़ल्ले से जारी है। प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर छात्र से रिश्वत लेते कर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में खुलेआम कर्मचारी एक छात्र से रिश्वत ले रहा है। नौगछिया के जगतपुर निवासी छात्र संगम कुमार ने प्रमाण पत्र नहीं मिलने से परेशान होकर रिश्वत देते हुए वीडियो बनाया और एसडीओ मुकेश कुमार को आवेदन देकर कर्मचारी पर कार्रवाई करने की मांग की है। संगम ने बताया कि आरटीपीएस कर्मी जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए 500 रुपए देने की मांग कर रहे थे, जिससे परेशान होकर छात्र ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरटीपीएस कर्मचारी का नाम पंकज कुमार बताया जा रहा है। जब मैं नौगछिया अनुमंडल गया प्रखंड, तो वहाँ पे मैंने जाति निवास के लिए अप्लाई किया, तो मैंने एक मैम से पूछी, तो वहाँ पे उसने जो है ना, तो पंकज सर के नाम से बोला कि इनको पेपर दे दो, तो मैंने उसको पेपर दिया, तो उसने बोला कि पहले 300 लेंगे, तो मैंने बोला सर मेरे पास तो 200 पप्पा दिए थे, तो उसमें 100 मैंने पेट्रोल भरा ली और 100 बचा, आप ले लीजिए 100। तो उसके बाद उसने बोला 100 दे दो मेरे को, मैंने उसको 100 दे दिया। उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर वो बोलता है, नहीं मैम बोली कि 500 लगेगा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर, स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
पर्यावरण संरक्षण को लेकर रविवार को चेतना फाउंडेशन की ओर से पर्यावरण बचाओ भविष्य बचाओ के तहत 800 पौधा बटसार गांव में ग्रामीणों के बीच वितरित किया गया। इस दौरान चेतना क्लब के सदस्यों द्वारा ग्रामीणों को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए वृक्ष के महत्व को बताते हुए जागरूक किया गया। अभियान में हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चेतना फाउंडेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि फाउंडेशन की ओर से 1,25,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 10,000 पौधारोपण किया गया है। अध्यक्ष ने सभी लोगों से एक एक पौधा लगाने की अपील की। इस मौके पर मिथिलेश कुमार, नीरज कुमार, अमित कुमार, देवेंद्र सिंह सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। स्नातक में नामांकन से वंचित छात्रों ने रविवार को छात्र संघ अध्यक्ष अमरजीत यादव के नेतृत्व में PVS कॉलेज बांका के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दिया। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के लापरवाह रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना था कि 11 सितंबर से विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑन स्पॉट नामांकन की तिथि घोषित की थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन नामांकन नहीं ले रहा है, जिसके कारण छात्रों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। छात्रों ने कहा कि अगर जल्द नामांकन नहीं लिया गया तो आगे आंदोलन तेज किया जाएगा। भागलपुर दीप नगर स्थित कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता SC/ST प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष राखी राणा ने की। इस दौरान राखी राणा ने संगठन के कार्यों की विस्तार से जानकारी ली और कई दिशा निर्देश दिए। वहीं महिला कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव रीना देवी ने उपाध्यक्ष को भागलपुर में SC/ST से जुड़े मामले की जानकारी दी। मौके पर कांग्रेस नेता विपिन बिहारी ने कहा कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकार को छीनना चाहती है। बैठक में NSUI के प्रशांत बनर्जी, चंद्रमोहन झा, संजय राणा, अमित आनंद समेत कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक का उद्देश्य है कि यहाँ जिला में कमेटी बनाना है, SC/ST का कमेटी बनाना है और प्रखंड से सब लोग आए हुए हैं ताकि यहाँ हम सुचारू रूप से संगठन को चला सके। बहुत दिनों से यहाँ संगठन नहीं बना है जिसे आगे अच्छे से चलाने के लिए, और प्रखंड का भी इसके बाद मीटिंग होगा और प्रखंड का भी अध्यक्ष वहाँ का भी कमेटी बनाए। केंद्र सरकार तो हम लोगों को लेके ख़त्म कर रही है, सब कुछ खत्म करने के में हम लोगों को तो आंदोलन करना है उनके लिए, ये तो बहुत गलत वो कर रहे हैं कि हमें। भागलपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का 15वां संयुक्त अधिवेशन कोशी कॉलेज खगड़िया में सम्पन्न हुआ, जिसमें मुंगेर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का गठन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन AI फुकटो के महासचिव डॉक्टर अरुण कुमार, पूर्व महासचिव प्रोफेसर बिजेंद्र प्रसाद समेत कई अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मुंगेर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम अंसारी बने, जबकि उपाध्यक्ष डॉक्टर साहिद रजा जमाल, डॉक्टर ललन कुमार सिंह और डॉक्टर प्रकाश कुमार को बनाया गया। इसके अलावा महासचिव, संयुक्त सचिव, सहायक सचिव समेत कई पदों पर शिक्षकों की जिम्मेदारी तय की गई। नव निर्वाचित शिक्षक संघ मुगुटा के उपाध्यक्ष डॉक्टर साहिद रजा जमाल ने बताया कि 5 वर्ष बाद अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षकों ने अपनी समस्या रखी। मौके पर मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रंजीत वर्मा, MLC डॉक्टर NK यादव समेत कई शिक्षक और गणमान्य लोग मौजूद थे। ये भूटा का 15वां परिनियमित अधिवेशन था, जिसमें मुंगेर विश्वविद्यालय और भागलपुर विश्वविद्यालय का संयुक्त अधिवेशन था और उसके समस्त शिक्षक और डेलीगेट वहां मौजूद थे, जिसका उद्घाटन AI फुकटो के महासचिव श्री प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने किया। हमारा मुंगेर विश्वविद्यालय का शिक्षक संघ का गठन हुआ और जिसमें ये 5 वर्षों के बाद ये अधिवेशन आयोजित हो रहा था, जिस पर नई शिक्षा नीति और टीचरों के प्रमोशन और दूसरे इश्यूज को लेकर बहुत गहन परिचर्चा हुई और उनके परेशानियों, उनके कठिनाइयों पर एक गहन परिचर्चा के बाद बहुत सारी बातें निकल कर आई कि आइंदा क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, और उसी कोर्स ऑफ एक्शन के तहत एक नए कमिटी का गठन किया गया और जो शिक्षक और उनसे रिलेटेड इश्यूज को लेकर आगे की रणनीति बनाएगा। भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में रविवार को लायंस क्लब ऑफ भागलपुर की ओर से आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में काफी संख्या में लोगों की जांच आयुर्वेद चिकित्सक के द्वारा की गई, साथ ही मरीजों के बीच दवा वितरित की गई। संस्था के अनुपम सिंघानिया ने बताया कि प्रत्येक वर्ष पिछड़े और दबे कुचले लोगों के बीच चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है, साथ ही चिकित्सकों द्वारा उचित परामर्श दिया जाता है। शिविर में 500 मरीजों की जाँच की गई। आज एक निःशुल्क आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है देवी बाबू धर्मशाला महावीर प्रसाद द्विवेदी रोड में। इसमें हम लोग 500 रोगियों को लाभान्वित करने की हमारी योजना है। ये वैसे रोगी हैं जो काफ़ी पिछड़े तबके के हैं, असहाय हैं, निर्धन हैं, और हमने आज उनकी सुध लेने का प्रयत्न किया है। आज सारे रोगियों का हम लोग रक्तचाप की जाँच कर रहे हैं, निःशुल्क मधुमेह जाँच हो रही है, चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध है,
शहर के प्रख्यात आयुर्वेद वैद्य यहाँ पे आए हुए अपनी सेवाएं देने के लिए। भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला स्कूल में रविवार को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रमंडल स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कन्वेंशन में मौजूद अतिथियों ने शिक्षकों की दशा और दिशा पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार पर समय से वेतन नहीं देने और शिक्षकों की समस्याओं का निदान नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षक अपना पूरा समय विद्यालय को देते हैं, लेकिन सरकार को शिक्षकों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। इस मौके पर काफी संख्या में शिक्षक मौजूद थे। कन्वेंशन हो रहा है, इसमें शिक्षकों के समान वेतन समान कार्य करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग यानी संघ जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गई और फिर पुनर्याचिका इसमें दायर किया। इसी के मद्देनज़र यह गोष्ठी हो रही है और इस गोष्ठी में हमारे प्रमंडलीय अध्यक्ष और प्रमंडलीय सचिव श्री अशोक प्रसाद यादव जी उपस्थित हैं। युवा एकता सामाजिक संगठन की ओर से लालबाग स्थित कार्यालय में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पूर्व प्राचार्य सलाउद्दीन, संगठन के अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय समेत कई लोगों ने हिंदी भाषा के विकास पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि हिंदी भाषा के उत्थान के लिए महात्मा गांधी का योगदान अतुलनीय है। मौके पर अभियंता प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद मोदी, कामेश्वर मंडल, सहदेव यादव समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। हिंदी की एक महत्ता है, पूरे विश्व में हिंदी का सम्मान है। जो माता का सम्मान है वो हिंदी का सम्मान है। जो अपना हिंदी से प्यार नहीं करता है, जब बच्चा पैदा होता है पहले उसकी मातृभाषा हिंदी में बोली जाती है। इसलिए मैं हिंदी भाषियों को बोलने के लिए और सरकार को जो आज पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। हिंदी के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। अगर हिंदुस्तान की तरक्की हम चाहते हैं, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हिंदी के प्रति हमें अपनी जागृति को पैदा करना होगा, लोगों को जगाना होगा। हम अपने देश की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें अपनी भाषाओं को कद्र करना होगा, ताकि विदेशी भाषा इस पर हावी न हो। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। भागलपुर के संयुक्त भवन परिसर में समारोह आयोजित कर मनाई गई भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की 158वीं जयंती। बांका में वज्रपात से दो महिला समेत तीन की हुई मौत, गांव में मचा कोहराम। वंचित समाज पार्टी की ओर से कार्यकर्ता मिलन समारोह का हुआ आयोजन। नाथनगर उपचुनाव में डॉली मंडल होगी प्रत्याशी। प्रसिद्ध समाज सेवी मुकुटधारी अग्रवाल की स्मृति में रक्तदान उत्सव का हुआ आयोजन। रक्तदान को लेकर युवाओं में दिखा उत्साह। और प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर नगछिया में आरटीपीएस कर्मी का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।